जी स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथोलपीज ऑफ़ रिएक्शन को स्टडी किया था जैसे कि इंथोलपी ऑफ कम्बस्टन एंथोलोपी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथोलोपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एंथोलोपी ऑफ रिएक्शन क्या था स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जब रिएक्टेंट्स स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स फॉर्म होती हैं प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होती है तो इस केमिकल चेंज के दौरान या तो हीट इवॉल्व होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी तो द अमाउंट ऑफ हीट और ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड ऑफ रिएक्शन अब स्टूडेंट्स ये जो केमिकल चेंज आया है ये कम्बस्टन रिएक्शन है ग्रेफाइट का कम्बस्टन रिएक्शन है कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है इस केमिकल चेंज के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज माइनस थ्री नाइनटी थ्री किलोजा पर मोल मुझे कहाँ से पता चला है कि एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग दैट केमिकल चेंज याद होगा आपको कि हमने कहा था कि डेल्टा एच दैट इज द इंथोलपी चेंज इसकी वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो हम क्या कहते हैं कि हीट इवॉल्व हुई है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और अगर इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव हो ये तो हम क्या समझेंगे कि हीट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग दैट केमिकल चेंज ठीक है स्टूडेंट्स अब याद रहे कि कब रिएक्टेंट में या आप कह कि कब एक सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कब इवॉल्व होती है स्टूडेंट्स जब रिएक्टेंट्स इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा ठीक है बॉन्ड्स ब्रेकेज होगी तो क्या होगा इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ठीक है एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब और स्टूडेंट्स जब न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है ठीक है नए बॉन्ड्स बनते हैं न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन न्यू बॉन्ड कब बनते हैं जब प्रोडक्ट्स बनेंगी तो न्यू बॉन्ड जब बनेंगे तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी एब्जॉर्ब नहीं होगी क्या होगी एनर्जी इज रिलीज ओके ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जब बॉन्ड ब्रेकेज होगी तो उस केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी जो होती है सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है और जहां पर न्यू बॉन्ड बन रहे होते हैं वहां पर क्या होगा एनर्जी रिलीज होगी इन दो फिनोमेना की बेस पर हम कह सकते हैं कि रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होंगे या तो एंडोथर्मिक होंगे ठीक है अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्या कहा कि हीट क्या होगी इवॉल्व होगी हीट इज इवॉल्व तो इंथोलपी चेंज की वैल्यू हमारे पास क्या आती है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी और इसी तरह से स्टूडेंट्स जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो क्या होगी हीट इज एब्सॉर्ब इन द सिस्टम चेंज इन एंथोलपी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव ठीक है ये तो पुरानी बातें थी स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने कहा है कि केमिकल चेंज के दौरान अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ये अमाउंट या ये वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की है हमें कैसे पता चला कि इस कम्बसन रिएक्शन के दौरान जो है इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज हुई है स्टूडेंट्स एक रिएक्शन की एंथोलपी को मयर करने को हम क्या कहते हैं क्लोरी कहते हैं और जिन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हम रिएक्शन की एंथोलपी चेंजेस को कैलकुलेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं कैलोरी मीटर कहते हैं याद रहे प्रोसेस को कैलोरी मीटरी कहते हैं और जिन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए आप इंथोलपी चेंजेस रिएक्शंस की मैयर करेंगे आप उन्हें क्या कहेंगे कलोरी मीटर कहेंगे स्टूडेंट्स जब भी हम एक रिएक्शन की इंथॉलपी चेंजेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम दो कंडीशंस पे हमेशा कैलकुलेशंस करते हैं एक कंडीशन ये होती है कि वेन प्रेशर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉन्स्टेंट यू कैन से डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो और दूसरी कंडीशन क्या है वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट ठीक है वॉल्यूम चेंज जो होगा वो जीरो होगा इन दो कंडीशंस पर हम एक रिएक्शन की जो है इंथॉलपी चेंजेस को मयर करते हैं स्टूडेंट्स जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट uh, यूज होता है या कैलोरी मीटर यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं दैट इज द ग्लास कैलोरी मीटर और स्टूडेंट्स जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं फिर जो कैलोरी मीटर यूज होता है दैट इज नोन एज बॉम्ब कैलोरी मीटर आज का स्टूडेंट्स जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम देखेंगे कि इंथॉलपी चेंजेस को हम ग्लास कैलोरीमीटर को यूज़ करते हुए किस तरह से मयर कर सकते हैं तो ग्लास कैलोरीमीटर किस तरह से वर्कअप हो रहा होगा कि हमने इसमें कंडीशन क्या रखी है प्रेशर इज़ केप्ड कॉन्स्टेंट आइए स्टूडेंट्स हम फर्दर देखते हैं कि ग्लास कैलोरीमीटर का क्या सेटअप है और हम उसे किस तरह से यूज़ करते हुए ऑफ अ रिएक्शन जो है वो मैयर कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स ये हमारे सामने ग्लास कैलोरीमीटर है आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सा सेटअप है कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं है बेसिकली स्टूडेंट्स हमें ग्लास कैलोरीमीटर में एक इंसुलेटेड वेसल रिक्वायर होती है अब आप यहाँ पर देखें तो ये दो बीकर्स हैं और इन दोनों बीकर्स के दरम्या कॉटन फिल है यहाँ कॉटन फिल करने का क्या मकसद है कि हम अपनी वेसल को इंसुलेट कर सकें यानी सराउंडिंग से कोई भी हीट जो है वो इनसाइड द बीकर एंटर ना हो सके और इसी तरह से बीकर से कोई भी हीट जो है वो सराउंडिंग में ना जा सके फर्दर हम देखते हैं कि बीकर के अंदर जो स्मॉल बीकर है उसके अंदर क्या मौजूद है स्टरर मौजूद है और थर्मामीटर मौजूद है जिसे हमने लिड से कवर किया हुआ है स्टरर का यहाँ पर क्या मकसद है स्टूडेंट्स जब भी हम रिएक्टेंट्स जो हैं ग्लास के लॉरीमीटर में एडअप करेंगे तो हम कंटिन्यू स्टरिंग करेंगे ताकि केमिकल चेंज के दौरान जो भी हीट इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो वो हीट चेंजेस को जो थर्मामीटर है वो यूनिफॉर्म हीट को मैयर कर सके जो चेंज इन आप कह लें कि टेम्परेचर आया है इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर उसकी जो मयरमेंट है वो प्रॉपर हो सके तो थर्मामीटर का क्या मकसद होगा कि टेम्परेचर चेंजेस को मैयर करेगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तो स्टूडेंट्स रिएक्शन uh, स्टार्ट करने से पहले या ग्लास कैलोरीमीटर को यूज़ करने से पहले हम टम्परेचर uh, थर्मामीटर पे देखेंगे इनिशियल टेम्परेचर जो होगा टी वन उसे नोट डाउन कर लेंगे ठीक है अब स्टूडेंट्स फर्दर हम ग्लास कैलोरीमीटर में रिएक्टेंट्स को एडअप करेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट्स हम क्या ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और एच सी एल यानी एसिड और बेस रिएक्शन है लिट से हम फर्दर कवर अप कर देंगे और हम देखेंगे कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हीट इवॉल्व होती है अब आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर से बढ़ गया है ठीक है टेम्परेचर इंक्रीज का क्या मतलब हुआ है कि रिएक्शन के दौरान जो है वो हीट इवॉल्व हो रही है जब स्टूडेंट्स हमने स्टरिंग भी स्टार्ट की हुई यूनिफॉर्म हीटिंग को मैयर करने के लिए यूनिफॉर्म हीट को मैयर करने के लिए तो स्टूडेंट्स जहां पर हम देखेंगे कि हमारा थर्मामीटर है इसने अब मज़ीद कोई चेंज इन टेम्परेचर शो नहीं कर रहा ठीक है तो यहाँ पर हम अपना T2 टू टेम्परेचर जैसे फाइनल टेम्परेचर कहेंगे वो मैयर करेंगे तो यहाँ पर ग्लास कैलोरीमीटर का फंक्शन ख़त्म हो गया हमने चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन यहाँ से अप कर लिया स्टूडेंट्स अब हम फर्दर देखेंगे कि हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन हम कैसे अप कर सकते हैं उसके लिए क्या फार्मूला है और उसके लिए हमें क्या डाटा रिक्वायर है आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वो हम किससे डोनेट करते हैं क्यू से इसको मयर करने के लिए हमारे पास फार्मूला आता है मैस इन स्पेसिफिक हीट इन चेंज इन टेम्परेचर ठीक है ये हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर क्यू क्या है दैट इज द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एम इज द मैस ऑफ रिएक्टेंट्स स्टूडेंट्स जब भी हम ग्लास कैलोरीमीटर में रिएक्टेंट्स डालते हैं तो हम उनकी नोन अमाउंट को डालेंगे यानी कि हम ऑलरेडी रिएक्टेंट्स की मास को मैयर करेंगे कि कितना मास है जो हमने ग्लास कैलोरीमीटर में ऐड किया है ठीक है तो वो क्या हो जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट्स एस क्या है हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल्टा टी हमारे पास क्या है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इनिशियल सॉरी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर तो आप इसे कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ठीक है स्टूडेंट्स ये चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू जो है हमें ग्लास कैलोरीमीटर से मिल जाएगी क्योंकि हमने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर को मयर किया था स्टूडेंट्स फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है बेसिकली स्टूडेंट्स स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू राइज वन डिग्री टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस ठीक है डिफरेंट सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि वन के गोल्ड है ठीक है और दूसरी तरफ मैंने वन के जी वाटर लिया है ठीक है अब ये डिफरेंट सब्सटेंस है मैं इनको हीट करना चाहती हूँ और हम देखना चाहते हैं क्या हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट सेम होती है जब हीटिंग स्टार्ट की तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो गोल्ड था उसका टेम्परेचर जल्दी राइज अप हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जबकि वाटर का जब हमने ऑब्जर्व किया तो उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में 30 मिनट्स लगे यानी 30 मिनट ज़्यादा लगे एज कंपैरिजन टू गोल्ड इट्स मीन के वाटर के लिए हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड थी एज कंपैरिजन टू गोल्ड तो आप कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटांसेस आर डिफरेंट हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट क्या होगी डिफरेंट होगी अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्लास के में अक्सर जो हम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे होते हैं वो एक्वि मीडिया में होते हैं ठीक है इसलिए हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को लेते हैं अब स्टूडेंट्स फर्दर यहाँ पर एक और टर्म है दैट इज द हीट कैपेसिटी जिसे हम सी से डोनेट करते हैं सी क्या है दैट इज द हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होती है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट स्टूडेंट्स जब भी आप वन ग्राम रिएक्टेंट्स का लेंगे इन द ग्लास क्लोरीमीटर तो तब स्पेसिफिक हीट विल बी इक्वल टू द हीट कैपेसिटी ठीक है तब आप फॉर्मूला किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं क्यू क्वल टू सी इंटू डेल्टा टी क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट ऑफ मैस इंटू स्पेसिफिक आपके पास क्या होगा One gram होगा ठीक है स्टूडेंट्स अब क्योंकि हमने कहा था कि ग्लास के जो है ये फंक्शन करता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ठीक है कॉन्स्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो तो चेंज इन प्रेशर जब जीरो होता है तो इंथोल्पी चेंज डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ठीक है तो स्टूडेंट्स जब आप हीट की अमाउंट जो है वो मैयर अब कर लेंगे तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी इंथोलपी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन आइए स्टूडेंट्स फर्दर एग्जाम्पल से देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास ग्लास कैलोरीमीटर का डाटा मौजूद है और देखते हैं कि हम इस डाटा को यूज़ करते हुए कैसे इंथोलपी ऑफ रिएक्शन को मैय करेंगे एक्जाम्पल हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हंड्रेड सी एम क्यूब ऑफ पॉइंट फाइव मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड विद हंड्रेड सी एम क्यूब ऑफ पॉइंट मोलर एच सी एल एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड रेज द टेम्परेचर ऑफ़ द रिएक्शन मिक्सचर टू ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड वो आपसे कह रहा है कि ग्लास कैलोरीमीटर में हमने 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड और 0.5 मोलर एच डाला कितना वॉल्यूम था 100 हंड्रेड सी एम क्यूब इनका वॉल्यूम था इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है तो हीट इवॉल्व हुई है और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास क्या आया है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड ये टी वन था और ये हमारे पास टी टू टेम्परेचर आया फाइन द इंथॉपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमें डेल्टा एच एन को कैलकुलेट करना है और आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो तो मेंशन है तो स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम अपना डेटा लिखेंगे डेटा में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो हमें क्वेश्चन में मेंशन थी वो हम नोट डाउन कर लेंगे उसके अलावा हम देखेंगे हमारे पास और क्या चीज़ें हैं वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ पॉइंट मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड किसकी इक्वल है 100 सी एम क्यूब और इसी तरह से स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर एच सी एल किसकी इक्वल है 100 सीएम क्यूब तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट किसकी इक्वल आ गया है 200 हंड्रेड सी एम क्यूब ठीक है स्टूडेंट्स अब फर्दर हमारे पास टेम्परेचर क्या है इनिशियल टेम्परेचर किसके इक्वल है टी वन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर टी टू किसकी इक्वल है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारे पास गिवन डाटा है और इस गिवन डाटा से हम फर्दर किस तरह से सोल्यूशन करेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं रिक्वायरमेंट क्या है हमारी हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा एच एन फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच एन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हीट इवॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ठीक है अब क्यू के लिए फार्मूला हमारे पास हम पढ़ चुके हैं ये है आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स हम क्यू फार्मूला को यूज़ करते हुए कैसे इंथोपी ऑफ अ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे क्यू का क्या फार्मूला है दैट इज मैथ इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मास भी गिवन नहीं है ठीक है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स है स्पेसिफिक हीट हमारे पास मेंशन है और डेल्टा टी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप फॉर्मूला लिख लें और इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए हम सॉल्यूशन किस तरह से देंगे सबसे पहले हम मास कैलकुलेट करेंगे ठीक है मास ऑफ रिएक्टेंट्स मैथ ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए मैथ का फॉर्मूला क्या है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम और अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 200 हंड्रेड सीएम क्यूब और क्योंकि ये एक्वा सोलूशन में है तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली वन ग्राम पर सी क्यूब ठीक है ये हमने क्या फार्मूला लगाया है वॉल्यूम इन डेंसिटी ठीक है ये फार्मूला लगाने से हमारे पास 200 हंड्रेड ग्राम्स क्या आ जाएगा मैस ऑफ रिएक्टेंट्स आ जाएगा ठीक है ये सेम क्यूब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा सेकेंड चीज हमें डेल्टा टी चाहिए थी डेल्टा टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन ठीक है फाइनल टेम्परेचर कितना था स्टूडेंट्स हमारे पास 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी तरह से इनिशियल टेम्परेचर क्या था 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन दोनों को हमने जब माइनस किया तो हमारे पास 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया जब हमने इसे कैलवन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 3.5 पॉइंट कैलवन आ गया स्टूडेंट्स अब आप देखें कि हमने चेंज इन टम्परेचर जो है वो भी कैलकुलेट कर लिया है डेल्टा टी हमने कैलकुलेट कर लिया है मैस ऑफ रिएक्टेंट्स वो भी कैलकुलेट कर लिया है और इसी तरह से एस जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर में गिवन था तो अब हम आसानी से हीट इवाल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं Q इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी वैल्यूज़ पुट करेंगे मास की वैल्यू क्या है 200 हंड्रेड ग्राम्स स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 4.4.2 पॉइंट फोर पॉइंट टू पर कैलविन पर ग्राम और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू है थ्री पॉइंट फाइव ठीक है स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए ग्राम जो है पर ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और पर कैलवन कैलवन से कैंसिल हो जाएगा जब हम इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2940 जूल्स ठीक है अब हम इसे किलो जूल में जब कन्वर्ट करेंगे तो थाउजेंड से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा टू किलो जूल्स ठीक है ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली है अमाउंट ऑफ हीट ठीक है ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व हुई थी वो उसकी वैल्यू क्या है 2.94 पॉइंट नाइन फोर किलोज अब स्टूडेंट्स क्योंकि हीट इवॉल्व हुई थी तो हम इसके साथ कौन सा साइन लगा सकते हैं माइनस का साइन लगा सकते हैं ठीक है थीके? अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कितने मॉल्स थे जो रिएक्ट किए तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हुई उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को कैलकुलेट करना चाहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जी स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज द मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ठीक है अब नंबर ऑफ मॉल्स के लिए हम आ, इस फार्मूला को अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉल्स ठीक है अब हम अगर चाहते हैं कि नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला आएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है 100 सी एम क्यूब इसको हम डीएम क्यूब में चेंज कर देंगे ठीक है डी एम क्यूब में आप कैसे इसे चेंज करेंगे इसे थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा पॉइंट वन डीएम क्यूब ठीक है अब हम वैल्यूज पुट करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलारिटी हमें कितनी मेंशन है पॉइंट फाइव मोलर वॉल्यूम कितना है पॉइंट वन डीएम क्यूब तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आगे पॉइंट जीरो फाइव मोल्स इसी तरह से स्टूडेंट्स आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच सी एल देखेंगे उसमें भी फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होगा वॉल्यूम सॉरी मोलैरिटी अगेन पॉइंट फाइव मोलर है और वॉल्यूम इसी तरह से सोडियम uh, हाइड्रोक्साइड और एच सी एल दोनों का हंड्रेड सीएम क्यूब था तो आप इसे डीएम क्यूब में चेंज करेंगे तो पॉइंट वन डीएम क्यूब ही आ जाएगा पॉइंट वन मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट जीरो मोल्स ऑफ एच सी एल तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पॉइंट फाइव मोल्स हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूसर टू इवाल माइनस टू पॉइंट नाइन फोर ऑफ हीट ठीक है स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स हम ये जानना चाहते हैं कि वन मोल अगर रिएक्टेंट्स का रिएक्ट करेगा तो फिर इंथॉलपी चेंज क्या आएगा क्योंकि हमने कहा था कि Q इज इक्वल टू द चेंज इन एंथोलपी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम अब क्या कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन फॉर वन मोल उसके लिए हम क्या करेंगे इस अमाउंट को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वन मोल के लिए एंथोलपी चेंज आ जाएगा माइनस टू पॉइंट नाइन फोर किलो जाओ डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो फाइव तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस फिफ्टी एट पॉइंट एट किलोजूल पर मोल तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आई है इंथोलपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की और ये पर मोल के लिए है ये जो अमाउंट थी हीट की दैट इज फॉर पॉइंट जीरो फाइव मोल्स और अब जो हमने कैलकुलेट की है दैट इज फॉर वन मोल ठीक है वन मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट्स व्हेन रिएक्ट्स तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी ठीक है स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने ग्लास कलोरीमीटर के डाटा को यूज़ करते हुए किस तरह से इंथॉलपी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथॉलपीज़ को स्टडी किया था और जो उनकी वैल्यूज़ आती थी वो हमें किस तरह से मालूम होती थी ठीक है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज़ करते हुए कैसे इंथॉलपी ऑफ कम्बसन को कैलकुलेट करेंगे अपना बहुत सा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़